सब मिलेगा ZoomTV.in। जब वो पहुंचे आशाएं को प्रमोट करने, यही नहीं जॉन तो इस मौके पर इतने पॉजिटिव नजर आए कि एनवायरमेंटल कॉज को सपोर्ट करने के साथ ही बातों बातों में खुद को बता दिया बॉलीवुड का सबसे फिट एक्टर। लेकिन नहीं आता तो खुद देखिए जॉन का ये विटी साइड। आई लव द वे ही चूजेस दिस फिल्म। वो अवार्ड फंक्शंस के लिए नहीं जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। He concentrates on the quality of his films. He's a great role model for that. I really respect him. कुछ समझ आया? जरा गेस तो करिए कि जॉन ये सारी बातें किसके बारे में कह रहे हैं? I love the way he chooses his film. He concentrates on the quality of his films. I really respect him. Well, of course, Bollywood के perfectionist आमिर खान के बारे में, क्योंकि जॉन बनना चाहते हैं आमिर की ही तरह perfect. जॉन अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप आमिर खान की तरह perfect बनना चाहते हैं, क्यों? मेरा यही effort है कि मैं भी qualitatively अपने performances improve करूं और अच्छे films के अंदर मैं परफॉर्म करूं। He is a great role model for that. और जॉन ने ये खुलासा किया हाल ही में जब वो पहुंचे 2 साल से अटकी नागेश कुकनूर की फिल्म आशाएं को प्रमोट करने। मौका था फिल्म के साथ एक रेडियो स्टेशन के टाइप का, जहां रेडियो के कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट ने अपने ही अंदाज में एनवायरमेंटल कॉजेज को प्रमोट किया बॉलीवुड कनेक्शन के साथ। पर्यावरण बचाना है। आजकल एक डायलॉग बहुत चल रहा है सलमान की आने वाली फिल्म का, मैं तेरे शरीर में इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से सांस लेना है और कहाँ से पर्यावरण बचाना है। जिसे जॉन ने भी खूब एंजॉय किया और शायद इसीलिए हमेशा नोबल कॉजेस को सपोर्ट करने वाले जॉन भी आ गए लाइट हार्टेड मूड में और बताया अपनी फिल्म का कनेक्शन विद दिस नोबल कॉज। देयर इज अ ग्रीन कॉज अटैच्ड टू दिस, सो वी वोवन अराउंड अ कांसेप्ट ऑफ पीपल्स विशेस, दैट मींस पीपल्स आशाएं. So what we've tried to do is use the credibility of the cause with the credibility of the film, and it's only at that level that we've tried to connect the two together. वैसे गैग्स के दौरान तो राजू ने बॉलीवुड के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर सलमान की फिल्म दबंग के इस डायलॉग का जिक्र किया ही था। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से सांस लेना है और कहाँ से पर्यावरण बचाना है। तो क्वेश्चन आंसर्स के दौरान एक रिपोर्टर ने भी जॉन से पूछ लिया कि उनके मुताबिक बॉलीवुड में किस एक्टर की बॉडी है सबसे फिट। आपके हिसाब से बॉडी के फिटनेस के मामले में असली नंबर 1 कौन है? तो जरा देखिए कितने विटी स्टाइल में जॉन ने खुद को बता दिया बॉलीवुड का असली फिटेस्ट एक्टर। जी मेरे अलावा सबकी बॉडी बहुत अच्छी है। यही नहीं जॉन ने तो मजाक में उस रिपोर्टर को भी दे दी ये फ्रेंडली येट एम्बैरसिंग एडवाइस। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट इन लाइफ, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे आप सिगरेट पी रहे थे बाहर, वो गलत बात है। जॉन के मूड को देखते हुए हमने उन तक पहुंचा दी बिपाशा की विश फॉर डायमंड्स भी। बिपाशा इज वेटिंग फॉर योर डायमंड रिंग, जिस पर अगेन द जेंटलमैन गेव दिस विटी रिप्लाई। बिपाशा इज वेटिंग फ्रॉम वन सेकंड। पैसे है कि नहीं मैं देख रहा हूँ। वेल नाउ यू नो कितने रिलैक्स्ड और पॉजिटिव थे जॉन इस इवेंट पर। साथ ही ही वाज लुकिंग क्वाइट फिट एज वेल विद दोस लॉस्ट किलोज supposedly for Dostana 2. यानी now we can just hope कि आशाएं को रिलीज होते हुए देखने की जॉन की आशा जल्द पूरी हो जाए और दोस्ताना 2 के अलावा और भी कई आने वाली फिल्मों के प्रमोशंस पर यूं ही बना रहे जॉन का पॉजिटिव एटीट्यूड। और फिर क्या पता शायद इसी एटीट्यूड के दम पर जॉन की आमिर की तरह परफेक्ट बनने की तमन्ना भी पूरी हो जाए। सागर कुमार के साथ सुरुचि महापुरकर, Zoom मुंबई।